हेलो गाइस, आप देख रहे हैं क्रिकेट की मिसाल। ये नया ब्लॉग इधर टूर्नामेंट चल रहा है, तो गाइस हम यहाँ पे मिसाल की टीम मिसाल भैया चैलेंज दे दिया, लास्ट बॉल सिक्स बॉल 12 रन। गुड मॉर्निंग गाइज, आपका स्वागत है एक और व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गांव में मैच है, जैसे मैंने कल बताया था। तो 11 बज रहे हैं, लेट हो गया मैं। वो जो कल वाला व्लॉग था एडिट करने में 2-4 घंटे लग गए क्योंकि 2-3 बार वीडियो खराब हो गया, फिर एडिट किया ऐसे करके हुआ। तो अभी हुआ है 11-15 मैंने अपलोड किया, तो अब फोन आ गया, सीधा जा रहा हूँ वहीं पे जहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है। तो बने रहना, देखना, बहुत दिन बाद टेनिस से खेल रहा हूँ, पता नहीं कैसा खेला जाएगा। आप सब भी देखना, साथ साथ व्लॉग भी शूट होता रहेगा और वहाँ पे भीड़ भी टेनिस मैच में जैसे होती है तो भीड़ भी वहाँ पे होगी। तो ब्रेकफास्ट मैंने अभी नहीं किया, वहीं जाके देखता हूँ, इतनी भूख भी नहीं लग रही, लेट ही खाया था रात। तो अब यहाँ से सीधा निकलते हैं अपना, वहीं से अकेडमी निकल जाऊंगा अगर जल्दी खत्म हो गया, बाकी देखते हैं वहीं जाके क्या माहौल है। तो यहाँ चल रहा है टूर्नामेंट, तो ये मंदिर है, इधर पीछे हमारा घर है और ये यहाँ है टूर्नामेंट। तो ये टूर्नामेंट करा रहे हैं भाई जोश सिंह भाई मोनी, यहाँ बहुत ही जबरदस्त यहाँ, और ये सब ट्रॉफी है यहाँ पे, और वो विकेट है वहाँ, ये रहा, ये आ गया तू, ये तू बोलना कुछ। तो मैच शिकारपुर के साथ है और टॉस शिकारपुर जीते, उन्होंने बॉलिंग ली है, प्रशांत बॉल डाल रहा है। लेकर आते हुए सामने अभिषेक शर्मा, बेटे बढ़िया, मुझे अरे भाई के भी प्रेशर की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, शॉट 6 जी 6 बढ़िया 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 प्रशांत मार दे भाई, और तो मैं ना भाई थोड़ा माइंड में चलता हूं आज 31 और बंडल। हेलो अरे भाई बोल रहे 3 4 विन 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 भाग 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 विन का शॉट यार 4 4 4 रन अपना कारोबार हार देख रहा भाई, जब भी तब तो यहाँ था उस टाइम। ओके जी, चार बोल होगी भाई, चार बाउंड्री सारी मारी, अरे क्या बन रहा है, कुल्लम बोल, चार बोल खा ली ले भाई, चका दिया
कुछ नहीं आयो, चार हो सकते हैं अगर होगे तो, चार हो, चार हो गए, चार हो गए ना, हुए नहीं, चार हो गए, चार हो गए, 55 रन है। कहाँ लेगा और छोड़ रहा वो, कितने बनाने हैं जी, 56 क्या आ गया तो है तो काम ही बस कर रही है, इधर कुछ भी नहीं आ रहा है आ जाओ उनका रहा कैसे हो, कोई ना वाला कोई ना, दोले 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 महंगे फोन अच्छे हैं, आहो ये तो कहाँ आप आ गए, चार भी हो सकता, चार चार होगा, चार चार हो गया हमारा, बोल भाग रहा है बस, रहने में तू खेल, चल तू खेल जल्दी, मत वो करो, चल 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 चल, कैनी अगर ये ओवर मैच है, ये था इसके हाथ में कैमरा था भाई पूरा, अब तक 38 मिनट होगी रिकॉर्डिंग। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं क्रिकेट की मिसाल, ये नया व्लॉग इधर टूर्नामेंट चल रहा है, तो गाइस हम यहां पे मिसाल की टीम खेल रही है अभी, जो भी है जितने भी टीम है, बहुत सारी टीम्स हैं, अभी देखते हैं कौन मैच जीतेगा, कंप्लीट करेंगे, मैंने बहुत तगड़ी बॉलिंग की, ले ओरे गाइज अभी अकेडमी पहुंच चुका हूं, तो मैच तो आपने देख लिया होगा कितना तकड़ा मैच हुआ, और खाना भी मैं साथ ही लेके आया तो यहीं खाऊंगा। तो मैच का हाल बता दूं क्या हुआ था, टॉस वो जीते थे तो उन्होंने बॉलिंग ली थी, हमने 54 रन आपने देखा होगा 54 मारे, जिसमें मेरे दो कैच तो छुट्टी गए थे, मतलब बैट पे अच्छी बॉल नहीं लग रही थी, मजा नहीं आ रहा था खेलते हुए, और उसमें मेरा भाई भी मेरे साथ खेल रहा था, आपने देखा होगा मैन ऑफ द मैच भी वही था, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। फिर 2-3 वाइड गई पर ओवर में छक्का चौका लगा, एक विकेट मिला, तो ठीक रहा ओवरऑल मैच, तो हम जीत गए, पर बहुत टाइम खेलने का यही होता है, बहुत टाइम बाद में खेल रहा था वहाँ पे, तो अभी का सीन क्या है, अभी यहाँ पे करनी है बैटिंग, नहीं हुई 2-3 दिन से, तो अभी बैटिंग करनी है यहाँ, तो ये निकलेगा गाइस खाना अपना और बैक करते हैं साइड में, ये दही पराठे दो मेरे हैं, बाकी ये भी आ गए, ये भी पैक कर लेंगे, दो और आधा है अनस का, दो मिनट एक सेकंड, ये तेरा now everything makes me wanna leave this place and roam। तो अब हम आ गए नेट के अंदर और मेरे साथ है ओम, ओम मुझे उधर से बॉल डाल रहा है, तो मेरा फोकस रहेगा स्टार्टिंग में 50 बॉल नीचे नीचे लगाना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बहुत ज्यादा, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ हेड पे ध्यान रखना है, बैट्समैन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हेड होता है, तो हेड कोशिश करना है नीचे ही गिरने देना है, कोशिश करना है कि बॉल के ऊपर लेके जाना है, और बॉल के साथ मतलब बॉडी के साथ चलेगा जब ज्यादा मजा आएगा, और बॉल के ऊपर लेके जाना है, ये मुझे फोकस करना है इन 50 बॉल, उसके बाद नए शॉट ट्राई करते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। गाइज बॉलर चेंज हो गया है, अब आ गया बुजर, ओम चेंज हो गया, 50 बॉल हो चुकी है,
तो क्या ध्यान रखा था हेड की, कोशिश कर रहा था कि चिल रहे, पर एक दो में गिर गया था इसलिए बॉल छोड़ना भी पड़ा और ज़्यादा बाहर जाती हुई थी बॉल, वो लाइन जो ओम डाल रहा था वो बाहर वाली लाइन थी, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है बैट्समैन को बहुत ज़्यादा। अब अबूजर आया, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हमें शॉट ट्राई करना है और सिंगल तो निकालना है, मतलब अब हम ट्राई करेंगे T20 वाली बैटिंग। अगर T20 में डॉट ज़्यादा निकलेगा तो कुछ भी फायदा नहीं है, तो कोशिश सिंगल, डॉट पे अपने आप को आउट ही मानेंगे कि अगर डॉट होगी तो आउट ही है, सिंगल नहीं तो इधर उधर करके चौके छक्के ट्राई करेंगे। मिसाल भैया चैलेंज दे दिया, लास्ट बॉल 6 बॉल 12 रन। तो पहला बॉल और ये पहला बॉल डॉट। अभी तक तो सिर्फ एक तरफा मैच लगा है, अब उधर पूरे हावी हुए हैं विशाल भैया। चौथा बॉल और ये 4 रन, 2 बॉल पर 7 रन। दोस्तों कमेंट करें बताएं कौन जीतेगा। 1 बॉल 7 रन और तुम्हें हार गया भाई, अब खत्म। और ये तो गाइज मजा आ गया बहुत ज्यादा, ऐसी खेली होगी 100 बॉल तो खेली होगी। और जो लास्ट में अबूजर के साथ बॉल डाला था अच्छी डाल रहा था, क्योंकि अगर हम मैच के टाइप बॉल नहीं डालेंगे अपने आप को, इतनी बॉल पे इतने रन नहीं देंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे ट्राई नहीं करेंगे, तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है हमें, क्योंकि आजकल का टाइम क्या है, T20 का टाइम है गाइज, सबको पता है इधर उधर से सब मारते हैं, तो ये लास्ट में ट्राई करना जरूरी है। पर सबसे पहले आपको बताओ, जो बिगनर्स है, जो छोटे बच्चे मैच देख रहे हैं, सबसे पहले आपको बेस सुधारना है अपना, डिफेंस ड्राइव कट पुल ये अच्छे करने पड़ेंगे, उसके बाद आप ऐसे शॉट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बॉल के अकॉर्डिंग अगर आपको खेलना नहीं आता है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो आगे पीछे स्टार्टिंग में मारना शुरू करते हो तो मुश्किल है, सबसे पहले अपना बेस सुधारो, डिफेंस ड्राइव कट पुल ये अच्छे करने के बाद फिर आप ट्राई कर सकते हो, जब आप 3-4 साल से अपना बेसिक पे काम कर रहे हो उसके बाद आप ये शॉट ट्राई कर सकते हो अगर आप थोड़े बड़े हो, छोटे बच्चे वही डिफेंस ड्राइव अपने उनमें काम करें। तो जो न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है इंडिया के साथ, तो उसका जिशान बताएगा, अलग ही अचीवमेंट है जिस बॉलर ने 10 विकेट लिया उसके बारे में थोड़ा बताएगा। अचीवमेंट रहा है भैया, कोई भी बॉलर कभी भी 10 विकेट ले ऐसा बॉलर, कभी कोई बॉलर 10 विकेट लेता है ना तो एक अलग ही अचीवमेंट होता है, क्योंकि अब तक वर्ल्ड में 3 ही बॉलर हुए हैं जिन्होंने 10 विकेट लिया है, अनिल कुंबले साहब है हमारे ही सर। अरे देखो जी अब बता क्या कर लो, बदतमीजी नहीं हो रही है। तो कोई नहीं है, तो होती रहती है, अनिल कुंबले सर है और बता दो। तो ये नाम ही बोलिएगा गाइस, पर आपको मैं बता दूं, लेकिन मुझे बताया वेस्ट इंडीज के थे ना कौन, तो आप ही बता दो कमेंट बॉक्स में। और आपको बताऊं अलग अचीवमेंट होती है भाई 10 विकेट किसी टीम के और इंडिया जैसी टीम के और इंडिया में, तो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। अच्छी बॉल डाला था मैंने, जितना भी उसका स्पेल देखा भाई का, बहुत तगड़ी बॉल डाला था। तो रूम पे पहुंच गया हूं, साथ में ब्राउन ब्रेड लेके आया हूं और एग तो रखे ही है, तो ऑमलेट बना के खाऊंगा और ब्रेड लगा दूंगा साथ में, तो टेस्टी हो जाएगा, ठीक रहेगा, ज़्यादा हैवी अपना डिनर नहीं करूंगा। और सुबह ही है मैच अपना, आपको जैसे पता है वहाँ पे फाइनल भी होगा टेनिस वाले मैच का, तो कल का व्लॉग तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए, तो अभी सबसे पहले ऑमलेट बना लो और कल के व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब अभी कर ले, एंड उसी टाइम करेंगे जो अपनी ऑमलेट बन जाएगी, आप भी देख लेना किस टाइप के ऑमलेट मैं बनाता हूँ। पर मेरे पास वो बड़ी चम्मच नहीं है, छोटी वाली चम्मच से एडजस्ट करके देखो आपके भाई की कलाकारी। अभी फल डल गया है साथ में, 3 एग है और ये ब्रेड। तो ये रेडी है अपनी आमलेट और ब्राउन ब्रेड, इन्हें एडजस्ट करके खाता हूँ। आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, बस अभी क्या करना है आगे, जो मैच हुआ उसने 10 विकेट लिए न्यूजीलैंड के बॉलर ने, वो देखना हाईलाइट कैसे कैसे विकेट लिए, अच्छी बॉल डाल रहा था, और साथ में थोड़ा सा बैटिंग देखनी उनकी, उसके बाद फिर वही अपनी एडिटिंग स्टार्ट करनी है, और सुबह ही फिर मिलते हैं आपसे, सुबह ही तो तगड़ा व्लॉग आएगा वहाँ का मैच का भी, और लास्ट में गए एकेडमी में, एकेडमी का फिर प्रैक्टिस का आपको बताऊंगा क्या प्रैक्टिस है। रात को सोचता हूँ कि, क्योंकि अगर आपको जो अच्छी प्रैक्टिस करनी है ना, अगर आप इंडिविजुअल अकेले प्रैक्टिस करते हो तो आप रात को अपना शेड्यूल बना के रखो, तो उसके बाद आप नेक्स्ट डे जाके उसे इम्प्लीमेंट करो, मैं ऐसे ही करता हूँ।
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, सेम अकाउंट इंस्टाग्राम पे भी क्रिकेट विशाल, वहां पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। बाय बाय गाइस। एक बॉल तीन रन, मुझे लगता है विशाल भैया जीत सकते हैं, और ये बहुत लंबा 6 रन।